जो बंदर का बंदर मेरे गांव में आता था उसका वीडियो बनाया। बस वो सारे कंटेंट ना ज़्यादा अच्छा रीच पकड़ा और अच्छे व्यूज भी आए उस पर, सब्सक्राइबर भी ज़्यादा गेन किया बंदर वाले वीडियो पे। क्या नाम है? ये देख सकते हैं कि ये भी एंजॉय कर रहा है, ये भी पसंद करता है। आप इनका जो भी वीडियो देखिएगा उस वक्त देखिएगा कि बखूबी इनका बेटा, जैसे इनके माँ इनके साथ देती, इनकी धर्मपत्नी इनका वीडियो बनाने में साथ देती, ऐसे इनका बेटा भी जो है वो बढ़िया से साथ दे रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, गुड लगी एंड सलाम। दोस्तों अगर आवाज नहीं आ रहा है तो माफ करिएगा, क्योंकि कल से ज्यादा आज बैठ गया है गला। हम तो बैठे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूँ दोस्तों मेरे एक और से नए ब्लॉग में, एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड खैरियत होंगे। स्पीकर पूरे फट गया, खांसी हो रहा है दोस्तों, गला बैठ गया है पूरा। और अभी दोस्तों छत पे आके बैठे हैं और ये देखिए काजल गरम तेल ला के दिए, गरम पानी है और फिर इधर चाय, मतलब सब कुछ एक बार में लेके आ गई मेरे लिए। ऊपर बैठे हैं दोस्तों, अच्छा लग रहा है ऊपर बैठने में। तो अभी तक दोस्तों ठीक नहीं हुआ है, उसी के लिए गरम तेल लाइए, गरम तेल लगाएंगे तो ठीक होगा, देखते हैं। नहीं होगा तो फिर दावा लेंगे जाके। बेटवा देख रहा है हमारा बेटा, आवाज मेरा खराब हो गया। कल दोस्तों चूना लगाए थे, चूना से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, मतलब एक भी असर नहीं किया। ज्यादा जोर देते हैं तो कंठ से आवाज निकलती है और जोर देने पे दर्द देने लगता है, इसीलिए जोर नहीं देते हैं, खाली हवा निकाल रहे हैं मुंह से। तो माफ करिएगा दोस्तों, यहाँ वाला इधर दर्द दे रहा है, इधर दर्द देता है ज्यादा बोलने से। तो पीट गया गधा, गधा के बच्चा। लग रहा है दोस्तों दाढ़ी बनाने वाले तेल लगा के। अभी दोस्तों जानते हैं, हम अपना वीडियो रिकॉर्डिंग वाला देख रहे थे, हमको इतना हंसी आ रहा था मेरी आवाज देख के सुन के, बहुत हंसी आ रहा था। हम सोचे बाप रे ऐसा वीडियो तो यूट्यूब पे हो भी नहीं करेगा। अभी दोस्तों अब चलते हैं नीचे, बोलते बोलते भूख लग गया, एनर्जी बहुत लॉस हो रही है मेरा, तो जा करके ब्रश करके दोस्तों अब खाना खाएंगे और थोड़ा आराम करेंगे, फिर वॉइस ओवरिंग करेंगे, शॉर्ट्स बनाना है और फिर वीडियो एडिटिंग करना है। वॉइस ओवरिंग के लिए वॉइस होना चाहिए। अरे बाप रे हम तो भूल गए, अभी मेन पॉइंट ये बोले, वॉइस ओवरिंग के लिए आवाज चाहिए और मेरी आवाज में मैं बनाऊंगा। अगर मेरा वॉइस ओवरिंग अच्छा नहीं लगेगा तो पूरा देखिएगा, और अच्छा लगेगा तो भी पूरा देखिएगा, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। काजी ने कौजी बुला लिया। तो दोस्तों अब जा रहे हैं नीचे। अरे बाप रे आराम से बैठ बेटा, अब जा रहे हैं दोस्तों नीचे, खाना वाना खाएंगे। गिरेगा बेटा, गिरेगा, बढ़िया। देखिए जरा इसको, देखिए इसको, देखिए गाजर खा रहा है। मतलब अनाज खाने लगा तो सब कुछ खाने लगा है। भूख कर बेटा। अभी जा रहे हैं दोस्तों ब्रश करेंगे, फिर ब्रश करके दोस्तों खाना खाएंगे। बाकी दोस्तों इधर कल शादी था, वो सारा खुल रहा है, ये देखिए अब खोल खाल के अपना सामान वगैरह लेके जा रहा है दोस्तों। देखिए खाना पे बैठ गए दोस्तों, खाना खा रहे हैं और खाने में काजल बनाइए दाल चावल भुजिया और सब्जी बनाइए दोस्तों। ये थोड़ा सा दाल नीचे गिर गया ये भी खाने के चक्कर में, तो दोस्तों भी खाते हैं। आई होप आप सब भी खा लिए होंगे, नहीं खाए हैं तो घर जाके खाइए, अपना मेरे पास आइएगा तो आपने खिलाएंगे। तो खा कर दोस्तों मिलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखा करके, वीडियो को लाइक किया करके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों खा के। दोस्तों अभी जा रहे हैं दोस्तों बाहर वाले रूम की सफाई करने, और मैं बताता हूँ दोस्तों कि क्यों साफ़ करना हूँ और काम क्या है। मैं चलता हूँ दोस्तों, फिर मैं साफ़ करके आपसे बात करता हूँ।
तो दोस्तों मैं बिस्तर लगा दिया हूँ और मैं बताता हूँ दोस्तों कि ये सब सारे काम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर पे आज न्यूज़ चैनल वाले आने वाले एक भैया हैं और वो आज मेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं मेरे ब्लॉग चैनल को लेकर के। तो दोस्तों मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ और बहुत खुश भी हूँ, क्योंकि दोस्तों पहली बार मैं न्यूज़ चैनल वालों का इंटरव्यू देने वाला हूँ, ठीक है। तो बस देखता हूँ कैसा होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है, जैसा भी होगा दोस्तों मैं शेयर तो करूँगा ही। और उससे पहले दोस्तों मेरे पास एक और काम है और मैं बताता हूँ दोस्तों अंदर जाकर के वो काम क्या है। तो दोस्तों काम ये था कि ये वाला जो ट्रैपोड है ना, ये निकल गया, खुल गया है। इसका जो ज्वाइंट जहाँ से था वो ज्वाइंट से निकल गया है। तो इसको दोस्तों पहले बनाएंगे और शॉर्ट्स वगैरह बनाने के काम में आएगा ये। हालांकि अभी तक तो शॉर्ट्स बनाने में इसका यूज़ नहीं किया, बट अब करेंगे। तो इसको पहले दोस्तों बना लेते हैं। ये देखिए इसका स्टैंड निकल गया है और इसका जो होल्डर है मोबाइल होल्डर वो निकल गया है। तो इन दोनों को एडजस्ट कर देते हैं दोस्तों, बढ़िया बार बार निकल जा रहा है। ये देखिए निकल गया। तो एक बड़ी समस्या आ गई है, ये देखिए यहाँ जो एक स्क्रू डलता है इस छेद में वो स्क्रू ही नहीं है। और जब स्क्रू नहीं है ना तो ये मोबाइल होल्डर यहाँ पे ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ रहा है। तो स्क्रू दोस्तों किसी तरह से अरेंज करना पड़ेगा इसको टाइट करने के लिए, नहीं तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों किसी तरह से जुगाड़ करते हैं इसको। तो दोस्तों ये देखिए ये दूसरा ट्राइपॉड है जो कि ये रजनीश यूज़ करता था, मंझला वाला भाई। अब इसी में से दोस्तों देखेंगे इसमें से वो पेंच निकल जाएगा तो बढ़िया है, एडजस्ट हो जाएगा तो सही है, नहीं तो फिर दिक्कत है दोस्तों। ये वाला एक्चुअली इसका होल्डर ख़राब हो रखा था नीरज का, रजनीश का, तो ये यूजलेस कर दिया इसको, मतलब रख दिया, काम नहीं करता इसलिए। अब इसमें से मिलाते हैं दोस्तों पेंच और देखते हैं मैच होता है तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये वाला पेंच इसमें से निकाले हैं एंड इसमें दोस्तों देखते हैं एडजस्ट करके। फिर भी दोस्तों ऐसे तो निकल जा रहा है, ये देखिए, फिर भी इसको क्या करेंगे, आराम से यूज़ करेंगे इसको, तो बस ऐसा ही रहना है। ये वाला ज़्यादा मूव करना होगा इधर उधर, वर्टिकल मोड में, हॉरिजॉन्टल मोड में, तो इसको ज़्यादा इस पर जोर नहीं देंगे, मतलब ये इधर उधर निकल के गिर भी सकता है, तो बस इस तरह से काम करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सारा काम धाम कर लिया है और वो न्यूज़ वाले भैया का भी कॉल आया था कि वो पहुँचने वाले हैं। थोड़ा सा दुकुर दुकुर हो रहा है, जान धड़क में आ गया यार। तो देखते हैं दोस्तों कैसा फिर इंटरव्यू जाता है, और जाता हूँ उनके लिए थोड़ा पानी वानी का अरेंजमेंट भी कर देता हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो मिलते हैं दोस्तों एक ही बार इंटरव्यू के बाद, इंटरव्यू देखिएगा और इंजॉय करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा था, और मिलते हैं दोस्तों इंटरव्यू के बाद। सर आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। माफ़ करिएगा मेरा ना आवाज़ बैठा हुआ है। हाँ वो तो मुझे लग रहा है कि आज आपका आवाज़ बैठा हुआ है। फिर बीच में लगभग 4.5 या 5 महीना मैं छोड़ दिया था, फिर पिछले 3-4 महीने से मैं रेगुलर कर रहा हूँ, डेली लाइफ का ब्लॉग डालना शुरू किया और जब एक एक करके रीच पहुँचना शुरू हुआ, जैसे एक छोटी बच्ची जो मेरी भतीजी है उसका वीडियो बनाया था, ये जो बंदर मेरे गाँव में आता था उसका वीडियो बनाया, बस वो सारे कंटेंट ना ज़्यादा अच्छा रीच पकड़ा और अच्छे व्यूज़ भी आए उस पर, सब्सक्राइबर भी ज़्यादा गेन किया बंदर वाले वीडियो पे। आपकी शादी कब हुआ यार? यहाँ 2023 में। और एक छोटा सा बच्चा आपका, इसका नाम क्या रखे हैं? आप देख सकते हैं कि छोटा सा क्यूट बेबी है, क्या नाम है? ये देख सकते हैं कि ये भी एंजॉय कर रहा है, ये भी पसंद करता है। आप इनका जो भी वीडियो देखिएगा उस वक्त देखिएगा कि बखूबी इनका बेटा, जैसे इनके माँ इनके साथ देती, इनकी धर्मपत्नी इनका वीडियो बनाने में साथ देते, ऐसे इनका बेटा भी जो है वो बढ़िया से साथ दे रहा है। और ये मात्र अभी कितने दिनों का है सर? 5 महीने को, मात्र 5 महीना का है, ये भी जान रहा है कि मुझे बखूबी पिताजी का साथ देना है और ऐसे ऐसे वीडियो अपलोड करना है कि दर्शकों को पसंद आए। तो दोस्तों इंटरव्यू तो हो गया और भैया को यहाँ से मतलब विदा भी कर दिया, वो चले गए। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कैसा था इंटरव्यू, अगर आपको पूरा वीडियो देखना है ना तो उनके चैनल AIMF पे जाकर के देख सकते हैं, उनका न्यूज़ चैनल का नाम है। एंड
अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये छोटी सी छलांग मुझे बहुत पसंद आया दोस्तों, आज छोटे से मुकाम पे और इतने कम समय में, मतलब छोटा चैनल ही मेरे पास आया, छोटा न्यूज़ ही मेरे पास आया, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एक ऐसा समय भी आएगा जब मैं नेशनल लेवल पे जाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक और से नए वीडियो में, तब तक चेक किए बी हैप्पी एंड बाय बाय। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, प्यार दिखाते रहिए, एंड मुझे भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।